भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का लद्दाख का दौरा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के करीब नमो के इलाके का अचानक दौरा किया है। इस दौरे का मकसद भारतीय फौज के जवानों से मुलाकात और उनकी हौसला अफजाई करना था। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नारवा भी थे। ताहम इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। बस इतना बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने नमो के इलाके में भारतीय फौज के जवानों से खिताब किया है, जिसके बाद वो वहां से वापस चले गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने से लद्दाख के इलाके में भारत को चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस शिकस्त के बाद भारत की जब से ये भी कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह अपने शहरियों का ध्यान लद्दाख से हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर दें, लेकिन इसे अभी तक इसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय फौजियों का मोराल बहुत डाउन था। जब से चीन ने भारत के 20 फौजियों को डंडों से मारा है, तब से भारतीय फौजी सरहद पर शदीद नफसियाती दबाव का शिकार हैं। जिसके बाद आज भारतीय वजीर आजम ने लद्दाख का दौरा किया है और वहाँ अपने जवानों से मुलाकात की है और उनका मोराल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।